माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्तों को भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उसको लगता था वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए। वह अभी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर्स की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था। 29 अगस्त 1958 को जन्मा, 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया, जिसने अपने लिए 150 साल तक जीने का इंतजाम कर रखा था। उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को शायद 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और AOL इंस्टेंट मैसेंजर्स यह सभी क्रेश हो गए थे। उसकी मौत की खबर पता चलते ही गूगल पर 800,000 लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रेश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से ही चकमा खा ही जाते हैं। सार यही है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन की ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचोगे घाट पर। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़े इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। खुलकर जियो दोस्तों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।